चल साक्षी, एक मिनट, हम ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? अब क्या हुआ तुझे? इतनी दूर आई है तो अब अंदर जाने में क्यों हिचकिचा रही है? देख, सिर्फ 5 मिनट, हम अंदर जाएंगे, क्या हो रहा है देखकर फटाफट वापस चले जाएंगे, ठीक है? साक्षी, तुझे सब कुछ इतना आसान लगता है, मुझे इतनी टेंशन हो रही है। एक तो मैं ऐसी पार्टी में कभी आई नहीं, ऊपर से वहाँ सिर्फ लड़के होंगे, हमें देख के क्या सोचेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं साकेत जी को एक बार फोन करके बता देती हूँ, ताकि हमें ऐसे देखे वो नाराज ना हो जाए। हे भगवान, लड़की तू पागल है क्या? चोर को पहले ही बता देगी कि पुलिस आ रही है, ताकि वो साधु संत बनकर बैठ जाए। अरे तू उसे बता देगी तो वो अपने गलत कामों पे इजीली पर्दा डाल सकता है। देख, मैं यहाँ तुझे उसका असली चेहरा दिखाने लाई, तू क्यों उसे सच साबित करने पे तुली हुई है? देख, तू चुपचाप मेरे साथ अंदर जाएगी, वरना पूरी जिंदगी पछताती रहेगी, मैं बता रही हूँ। चल साक्षी, एक सेकेंड, चाची का फोन। हेलो। हाँ चाची। चुटकी, कहाँ है तू? तुझे बहुत अच्छे से पता है ना कि हल्दी के बाद दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती, तो फिर तुम कहाँ चली गई हो? अब बार बार बीजी मुझसे पूछ रही है कहाँ है लाडो, कहाँ है लाडो, क्या जवाब दूँ मैं उनको? वो एक्चुअली मैं और साक्षी किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं, बस आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। हाय रब्बा, हाँ, और आधा घंटा? आधे घंटे में तो बीजी मेरी जान ले लेगी। वो अब साक्षी से ही बात कीजिए, पकड़ बता। हेलो साक्षी, तुम लोग हो कहाँ, क्या कर रहे हो? अरे माँ, अब अगर आप इतनी बात करोगे तो हम लेट होएंगे ही ना। मैं सब घर पे आके बताती हूँ मम्मी। अब मैं फोन रख रही हूँ, बाय। साक्षी, साक्षी चल जल्दी चल। क्या हो रहा है? उस लड़की के कपड़े देख रहे तूने? और कैसे डांस कर रहे हैं ये लोग? साक्षी, लेकिन देख ना, यहाँ साकेत जी कहीं नहीं है, कहीं कहीं होगा। चल साक्षी, चल। क्यों जा रहे हैं? देखा, कहीं साकेत जी नहीं है, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं, वो यहीं कहीं होगा। माफी? ये साक्षी, मैं अभी आई। गया कहाँ ये साकेत? ये कहाँ जा रहा है? इस तरह से पार्टी छोड़ के कहाँ जा रहा है? जरूर कोई चक्कर है। देविका दी को बुला लेती हूँ। दी को तो लगता है कि वो यहाँ नहीं है तो वो अच्छा इंसान है, बुरा नहीं है। मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। क्या करूँ? दी को बुला लूँ? क्या खुद जाके देखूँ? दी किधर गई? छोड़ो, मैं जाती हूँ। मैं तो बर्बाद ही हो गई, लेकिन मैं साकेत को किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। काश मैंने उस रात रवि की बात मान ली होती। साकेत पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब भी वक्त है। चाहे जो हो जाए, मुझे यहां से भागना ही होगा। कुछ भी करके रवि से मिलना ही होगा मुझे। इतना बड़ा धोखा दिया है साकेत ने मुझे, उसे तो सबक सिखाना ही होगा। लेकिन कैसे कैसे निकलूं मैं यहां से? इसे क्या हो गया? ये? अरे क्या हो रहा है तुम्हें? अगर इसे कुछ हो गया ना तो भाई हम सबकी चमड़ी उधेड़ेंगे। जल्दी खोले से।
एक काम कर, तू पानी लेकर आ जल्दी से, और सुन तू डॉक्टर को बुला के लेके आ। लगता है भाई को फोन करना पड़ेगा। फालतू में आ गया मैं यहाँ पर, सारे के सारे शराबी, कहाँ फंस गया मैं यार। दिल तो कर रहा कि अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। रवि, देविका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात छोड़ो, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बैचलर्स पार्टी है, यहाँ पर लड़कियाँ नहीं आती। जानती हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ। साक्षी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई है। उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि साकेत जी की इस पार्टी में डांसर्स आई होंगी। तुम्हें पता तो है साक्षी क्या सोचती है साकेत जी के बारे में। लेकिन देखो यहाँ पर तो तुम भी आए हो, तुम्हें साकेत जी ने बुलाया होगा ना? और देखो साकेत जी तो यहाँ हैं भी नहीं। तुम एक बार प्लीज साक्षी को बता दो कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी गलत फहमी है। तुम कहोगे तो मान जाएगी, वरना यहाँ से जाने को ही रेडी नहीं होगी। और घर पर हम किसी को बताकर भी नहीं आए। साकेत, पर तुम्हारे इस विश्वास को क्या समझूं मैं देविका, तुम्हारी मासूमियत या फिर तुम्हारी नादानी? दादी को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम एक बार कह दो ना उससे, प्लीज। एक सेकेंड ना, साक्षी कहाँ गई? यहीं खड़ी थी। एक मिनट, हम मैं देख कर आती हूँ। बैचलर्स पार्टी में खुलेआम रोमांस, मुझे नहीं पता था इंडिया इतना एडवांस्ड हो गया। वाओ, चाची का फोन। हेलो, चुटकी कहाँ है तू? घर कब आएगी? मैं बात करती हूँ। वो हेलो बीजी, कहाँ है तू लड़की? और रीत रिवाज का कोई लिहाज है कि नहीं तेरे को? और तेरी हिम्मत कैसे हुई हल्दी के बाद घर से बाहर कदम रखने की? कहाँ है तू? दादी वो, वो, वो ये क्या वो लगा रखी है तूने? वो एक्चुअली साकेत जी उनकी पार्टी। अच्छा, साकेत जी के साथ है? घर आने की ना जल्दी मत करना है, आराम से आना। और सुन, जैसा साकेत जी कहे वैसे ही करना, उनकी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल मत जाना, ठीक है? समझ गई ना? हाँ चल ठीक है, ले बंद कर। और टेंशन की कोई बात नहीं है, वो ना साकेत जी के साथ है। मैं साक्षी को ढूंढ कर आती हूँ। तो इसलिए तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस पार्टी में आऊं, राइट? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शायद नहीं चाहते थे मैं तुम्हारा ये चोरी चोरी चुपके चुपके वाला रोमांस देख लूं। टू बैड, अब तो मैंने देख लिया। वैसे क्या पोज था वो तुम्हारी बाहों में, तुम लविंगली उसकी आंखों में देख रहे थे, आंखों आंखों में बातें,
Wonderful. ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस गिरने वाले थे, उसको गिरते हुए बचाया मैंने। That's it.